अपनी रंग रही हैं अपना पैर। बैठने की भी डायरेक्शन होते हैं। अभी रंग रहा है मम्मी का पैर और नेल पॉलिश ना मिलने के चलते अल्टा से ही नेल पॉलिश लग रहा है। अम्मा कैसे लग रहा है, गुदगुदी हो रही है? ये वो जाने का रस्म कन्या भोग में लगाते थे ना, कन्या पूजन में लगाते थे। हाँ, नवरात्रि में। मम्मी लगा रही मेरे पैरों में अल्टा, बिकॉज अब मैं जा रही हूँ। सो अल्टा लग रहा है मम्मी, नम आंखों से मेरी आंखों में अल्टा लगा रही है, बिकॉज अकेले हो जाएंगी। मैं बोल रही मेरे साथ चलो, तो पता नहीं क्यों नहीं जा रही है। आई हैव नो आइडिया। मैंने आज किया है शैम्पू करके देखो, बालों को गूंथ लिया, क्योंकि गर्मी है ना तो बाल खोल के रख रह नहीं सकते, तो बालों को मैंने गूंथ लिया है। और आपको हमेशा बैकग्राउंड यही दिखता होगा, बिकॉज हम यहाँ पे ज़्यादा ही रहते हैं, इसकी वजह से बैकग्राउंड, हाँ ये स्टिकर्स और ये फ्लावर, ये प्लांट आपको दिखता होगा, बिकॉज हम यहाँ पे इस जगह पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कूल रहता है यहाँ पे। तो बहुत सालों बाद लगा रही, बहुत सालों बाद नहीं, हाँ अभी मेरे पड़ोस में ना वो बच्चा हुआ था, तो उनके घर गई थी मैं, तो उन्होंने लगाया था मेरे पैरों में, फिर भी 6 महीना हो गया। हाँ 6 महीने को उनका, 6-7 महीना हो गया, 7 महीने हो गए, तो 7 महीने बाद लगा रही हूँ। और उससे पहले मैं लगाई थी, सुराल गई थी अपने, जब लगाई थी पूजा था हमारे घर में, जब लगाया था मैंने, और अभी लगाया। और फाइनली मेरी सिस्टर और बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, इंजॉय करने, 15 जून को आ जाएंगे, इंजॉय करने आ रहे हैं हमारे पास। और तो यही है हमारी दिनचर्या, यहाँ की दिनचर्या यही है। और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच में आज मम्मी ने बनाया है 2 प्याजा एंड चावल, फ्राइड राइस, मतलब फ्राइड राइस नहीं, पुलाव एंड 2 प्याजा बना हुआ है, तो वो खाएंगे। मम्मी पसंद पसंद के खाना बना रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो बना रही हैं। तो ये प्यार तो आपको माँ के पास, किसी की भी माँ के पास ही मिलेगा।
फाइनल डिजाइन मेरे पैरों का देख लीजिए, सिंपल सा है, फाइनल डिजाइन है ये। क्योंकि ना ज़्यादा हैवी नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ऑफिस पे। पुलाव इनकी नानी ने इनके लिए मटर पुलाव बनाया था। कैसा बनाई थी वो नानी ने? टेस्टी। सबके लिए कढ़ी चावल बना था, बट इनके लिए मटर पुलाव बना। कैसा बना? अच्छा बना। छोटे होने का फ़ायदा, छोटे होने का फ़ायदा, क्योंकि खाती नहीं है ये कढ़ी चावल। चल बट बड़े चल तो इसका फेवरेट। निकल गए कि सब कुछ छत पे ही पड़ा हुआ है। एक्चुअली पास का है ना, तो अटैचमेंट रहती है, और इतने दिनों से अंकल साहब मतलब थे, तो सब कुछ छोड़ के मम्मी चली गई, तो मैं ही इकट्ठा कर दे रही हूँ। ये मम्मी ने गेहूँ धो के डाला हुआ है, मैं ही इकट्ठा कर दे रही हूँ इसको। मैं और पीयू इकट्ठा कर रहे हैं, देखो पीयू भी इकट्ठा कर रही है और मैं भी इकट्ठा कर रही हूँ। मम्मी आ गई। मम्मी उधर ही है, शायद अभी नहीं आई है। आज दुनिया को जाना है। हाँ तो रखा वहाँ से मम्मी पूजा करने लगी। मम्मी को घंटी भी नहीं बजाया जा रहा, हाथ में इतना पेन हो गया उनको कि वो घंटी बजा रही है। हमारे घर में शाम को वो जैसे आरती होती है, आप लोग मैं बहुत दिनों से आरती नहीं दिखाई थी, तो आरती होती है हमारे घर में रोज सुबह सुबह शाम दोनों टाइम होती है। किचन के जस्ट बगल में हमारा ये मंदिर है, मंदिर आप देख सकते हो। मम्मी ने स्पेशली मंदिर बनवाया अलग से।